अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सबको आवाज आ रही है। अच्छा जी, तो रिड्यूस सिलेबस की बात हो रही थी, इंशाल्लाह उसकी फुल स्टेट आपको मिलती है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में चाहे प्री मेडिकल हो या प्री इंजीनियरिंग, वो बुक के साथ बैठेंगे ताकि मैं उसके ऊपर जो भी टॉपिक्स हैं उसे मार्क करवा दूं, और साथ साथ जब जब हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे तब तब भी आपको मार्किंग करवाई जाएगी ताकि आप ये श्योरिटी ले लें। 10 ईयर्स देखेंगे ना, 25 ईयर्स देखेंगे, वहां पे वो टॉपिक नजर आएंगे, मिक्सिंग हो जाएगी टॉपिक की, किसकी तैयारी करनी है किसकी तैयारी नहीं करनी। तो इस सब से बचने के लिए टॉपिक की मार्किंग बहुत जरूरी है ताकि आप आसानी से उसे जो है वो पढ़ सकें। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ाने के लिए हमें बेसिक पढ़ाना बहुत जरूरी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट। बेसिक पढ़ाने का मतलब ये होता है कि अगर मैंने उसका कोई बेसिक कंसेप्ट जो पुराने किसी रिएक्शन में मौजूद है अगर मैंने वो ना समझाया तो वो टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आया। तो उसे हम यकीनन समझेंगे इतना कि हमारा टॉपिक कवर। तो ये मत सोचिएगा कि मिस ये बात क्यों पढ़ा रही है, इसका तो हमसे कोई लिंक ही नहीं। तो लिंक होगा तभी पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स भी लिख लिए हैं कि भाई अब क्या पढ़ाना होगा, अब क्या लेना होगा। इनऑर्गेनिक शुरू ना करने की वजह भी कुछ यही थी कि थोड़े दिन के लिए मुझे फिर रोका गया था कि अभी रुक जाइए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में डिटेल बहुत ज्यादा है। सही, अब वहां पे क्या हो गया, बड़ा शॉर्ट है, लिमिटेड है, हम वो लिमिटेड पोर्शन उठाते जाएंगे और पढ़ते चलेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक जो चीज जितनी आपने पढ़ ली, नंबर वन नॉमेनक्लेचर, नंबर टू चैप्टर सिक्स में एक छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मैं कट करवा दूंगी, और चैप्टर सेवन जितना अभी आपने पढ़ा है वो सबका सब इंक्लूडेड। चैप्टर टू और चैप्टर वन में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको मार्क करवा, सही, और जो एक रिटन पोर्शन मिलेगा उससे भी आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए अलग मिलेगा, फिजिक्स के लिए अलग, बायो के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, तो इन सब के लिए भी मिलेगा। तो काइंडली काइंडली नेक्स्ट क्लास में बुक के साथ पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ, और जो बच्चे ऑनलाइन है उन तमाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब उनसे कहा जाए कि बुक ओपन करें तो वो वाकई कर लें ताकि वो एक्चुअली टॉपिक्स को मार्क करें, क्योंकि वो फुल स्ट्रेट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो ग्रुप पे तो शेयर हो ही जाएगा या आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में रिड्यूस सिलेबस कई जगहों पर अवेलेबल है, लेकिन उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो क्लासेस के थ्रू ही समझ पाए। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन पढ़ रहे हैं हम, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी बता दूं, अल्काइन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नंबर टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर थ्री कंबशन रिएक्शन, एंड नंबर फोर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं आपको सबसे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने अल्कीन में पढ़ा था, यस और नो, है ना? तो इसका मतलब है दैट इज द सिमिलैरिटी इन बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। किसके दरमियान सिमिलैरिटी है ये? अल्कीन एंड अल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी अगर आप ये चाहें कि आपके पास दो सैंपल हैं और मैं आपसे कहूं कि बेटा उन दोनों सैंपल्स को आइडेंटिफाई कर दें कि विच वन इज अल्कीन और अल्काइन, और आप दोनों में ब्रोमीन वाटर डालें तो दोनों में डीकलराइज हो जाएगा। सही, दोनों में क्या हो जाएगा? डीकलराइज, क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड्स मौजूद। आगे बात करते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा यकीनन आगे कोई ऐसा रिएक्शन मौजूद है। ये जो ऑक्सीडेशन है, आपको याद दिला दूं KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो कहानी बताई, पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन, सही, और वो भी बताया था कि आप अल्कीन में डालें या आप अल्काइन में ऐड करें वो भी क्या हो जाता है, डी कलराइज हो जाता है। यानी ये भी सिमिलैरिटी है किसकी, अल्कीन और अल्काइन।
कंबशन रिएक्शन तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जहां नहीं भी पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल अल्काइन, जहां नहीं भी पढ़ाया इसका मतलब वहां पे भी कंबशन होगा, आगे भी नहीं पढ़ाऊंगी, सब शायद यहीं पे पढ़ाऊंगी मैं, अल्कोहल हो, अल्काइल हैलाइड हो, कार्बोक्सिलिक हो, ईथर हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो क्या करेगा बेटा, वो वहां पे कंबशन रिएक्शन देगा, कंबशन एक्सोथर्मिक और एंडो, एक्सोथर्मिक एंड परमानेंट प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द लिबरेशन ऑफ हीट, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन में जाते हैं। लेकिन ये बड़ा यूनिक कैरेक्टर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद है कभी नाम सुना है सब्स्टिट्यूशन, कहां पढ़ा था, अल्केन, ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसने लिया था, अल्केन, और अब आप किससे पढ़ रहे हैं, अल्काइन, दैट मीन दिस इज द सिमिलैरिटी इन बिटवीन द अल्केन एंड अल्काइन, इज इट क्लियर, दिस इज द सिमिलैरिटी इन बिटवीन द अल्केन एंड अल्काइन, बात समझ में आती है। लेकिन यहां पर जो सबसे यूनिक कैरेक्टर है दरअसल वो ही इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं अल्कीन और अल्काइन दोनों, लेकिन सब्स्टिट्यूशन कौन नहीं देता है, अल्कीन, दैट मीन यहां निकलेगा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जो अगर दो सैंपल्स मौजूद हो और आपसे कहा जाए इसमें से कौन अल्कीन है और इसमें से कौन अल्काइन है, सही, अल्कीन अल्काइन में डिफरेंस बता रहे, तो ना ब्रोमीन वाटर ले सकते हैं, ना पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट ले सकते हैं, बल्कि आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन में कोई एक ऐसा रिएजेंट होगा जो इन दोनों में डिफरेंस बता सकता है, क्या ये बात सबको समझ में आती है, अल्कीन सब्स्टिट्यूशन नहीं ले सकते, कौन दे सकता है, अल्काइन, सही, और कौन दे सकता है, अल्काइन, बात समझ में आई, यस और नो, ये पूरा जो मैंने आपको इसकी थ्योरी समझाई है ये इसलिए है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा हम दे धड़ाधड़ सारे रिएक्शन लिखे हैं वो सारी बात फिर मजा नहीं आएगी, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी एडिशन रिएक्शन जिसका पूरा नाम आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, ना तो मैं इलेक्ट्रोफिलिक की डेफिनेशन लिखवाने वाली ना ही मैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताने वाली, क्यों, इतना जोर क्यों कर रही हूं मैं, अल्कीन में बहुत डिटेल में पढ़ रहा, सही, तो एडिशन रिएक्शन दो तरह, एडिशन ऑफ होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, आपको ऐसा लगेगा आप रिएक्शन रिवाइज कर रहे हैं, एडिशन ऑफ होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले आपने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, व्हिच इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन, ये रिएक्शन आपके लिए नया नहीं है, आपने इसे अल्केन में ऑलरेडी याद किया हो, नाउ हाइड्रोजिनेशन जनरल इक्वेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन added in presence of nickel or heat platinum platinum in teenon mein se koi bhi ek catalyst suitable hai bataiye kya bane alkyne mein jab ek hydrogen molecule add hoga to kya bane
एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। इसका मतलब यहाँ दो पाई बॉन्ड्स, सॉरी दो बॉन्ड्स यानी एक पाई और एक सिग्मा, और यहाँ कौन अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। अल्काइन से क्या बना? फिर से एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई भी एक कैटलिस्ट लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्लेटिनम लिखा, अब क्या होगा यहाँ पर? यस, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? मजीद एड, और पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। That is hydrogen. यहां पर भी क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो आप अल्काइन से क्या बना रहे हैं बेटा? पहले बनेगा अल्कीन और फिर क्या बनेगा? अल्कीन। बट डिफरेंस आपको याद करवा दूं, जब अल्काइन में वन मोल ऑफ हाइड्रोजन होता है एड तो बनता है अल्कीन, और जब अल्काइन में टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एड होता है तो क्या बनता है? अल्कीन। तो आपको ये बात याद है, एडिशन ऑफ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके एग्जाम्पल सॉल्व करो। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं C2H2, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो यहाँ क्या होगा? अगर आप ये सब भूल गए, डबल बॉन्ड नहीं याद आ रहा, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद आ रहा, तो क्या बनेगा? C2H4। फिर मजीद हाइड्रोजन ऐड होगा तो आपके पास क्या बने? C2H6। सही, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो सकती है उसको आसानी से सॉल्व, जिसमें मैकेनिज्म की जरूरत है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम, अगर मैं आपसे कहूं प्रोप आइन C3H4, डायरेक्टली मैंने आपसे कहा टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज एडिंग into the prop ion, what will be the product? C3H8। बिल्कुल सही, और इसका नाम क्या होगा? Propane। Very good। इसका मतलब directly भी solve करना आना चाहिए और mechanism wise। सेकेंड वन, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। विच इज हैलोजेनेज। द मेंबर्स ऑफ हैलोजन ग्रुप आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। ओके, और एसिटेटिंग की बात हम नहीं करते। अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखूं, दैट इज अल्काइन, जिसमें हैलोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड हो, हैलोजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको याद दिला दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से नॉर्मल हैलोजन हम किसे कहते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन। इसका मतलब ना तो हम फ्लोरीन को ज्यादा दिखाते हैं और ना ही हम ज्यादा किसे दिखाते हैं? आयोडीन। हम इस पे बात भी नहीं करते, आयोडीन स्लो रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा, फ्लोरीन एक्सप्लोसिव रिएक्शन इतना विग्रेसली होगा कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। अब यहाँ क्या होगा? अगर हैलोजन का एक मॉलिक्यूल एड होगा तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक, तो इसका मतलब है कि दोनों हैलोजन एटम यहाँ आकर अटैच हुआ और ये जो मॉलिक्यूल बना इट इज डाई हेलो अल्कीन, प्लस नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन जब ऐड होगा तो आपके पास क्या होगा? अगेन एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। और क्या बनेगा आपके पास? बिल्कुल, दो हैलोजन पहले से अटैच, दो मजीद हैलोजन आकर क्या हो जाएंगे? इन्हीं दोनों कार्बन पे आएंगे। क्यों? इसके और कार्बन पे क्यों नहीं कर रहे? एडिशन है, इन्हीं के दरमियान पाई बॉन्ड है ना, तो वही पाई बॉन्ड टूटेंगे और उन्हीं की जगह कौन आकर अटैच हो जाएगा? हैलोजन। तो ये क्या बना? टेट्रा हेलो अल्कीन, टेट्रा हेलो अल्कीन।
अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम्पल बताने के बाद हम इसके की पॉइंट को पढ़ेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दैट इज इथाइन, और मैं आपसे कहूं बेटा क्लोरीनेशन कंप्लीट कर दें, पहले फर्स्ट प्रोडक्ट बनाइए, फिर मजीद क्लोरीनेशन करवाइए, और फिर मुझे सेकेंड प्रोडक्ट बना दो, तो देखते हैं कितने बच्चे इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते। प्रोडक्ट नेम टेट्राक्लोरोइथेन, क्या हम इसमें नंबरिंग करेंगे साहिबा? मतलब क्लोरीन किन कार्बन एटम्स में मौजूद? दो ही कार्बन है तो दो कार्बन में नंबरिंग जरूरी नहीं। गुड, नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ दिस रीच, आपने अभी मुझसे सीखा अल्काइन से टेट्रा हेलो अल्केन बना, और किस प्रोसेस से सीखा? हैलोजिनेशन। सही, किस प्रोसेस से? हैलोजिनेशन। लेकिन टेट्रा हेलो अल्केन आपके लिए नाम नया नहीं है, टेट्रा हेलो अल्केन से आपने अल्काइन बनाना सीखा। सही, किस प्रोसेस से? डी हेलोजिनेशन। किस प्रोसेस से बेटा? डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन मींस रिमूवल ऑफ हेलोजन, और हेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। सही, और जब तक आप ऑपोजिट पैटर्न पे रख के याद करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप आखिर तक सिर्फ एक ही बात कहते रहेंगे कि मैं समय रिएक्शन याद कैसे करूं, रिएक्शन को बैठ के रट्टा नहीं लगा सकते, रिएक्शन को बैठ के इन ट्रिक से याद करते हैं कि कब कौन किसका प्रोडक्ट बन सकता है। These are the homonuclear molecules. Second one, addition of heteronuclear molecule. Addition of heteronuclear molecules. Heteronuclear, different एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एलिमेंट से यानी डिफरेंट न्यूक्लियस कंटेनिंग एलिमेंट्स या एटम्स से मिलकर क्या होगा? बना होगा। एक रूल याद है जिसका नाम बड़ा मशहूर है, जमाना है, विच इज मार्कोनिकोफ रूल, यस और नो? नाउ नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन का नाम नया नहीं है, मैकेनिज्म नया है, जिसमें एच क्या होगा? पॉजिटिव, और एक्स क्या होगा बेटा? नेगेटिव। एच क्या होगा? पॉजिटिव, और एक्स क्या होगा? नेगेटिव। चले मिलके सॉल्व,
डाई हेलो अल डी। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? सही है। तो वो बच्चे जो ऑनलाइन है वो एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपके पास इथाइन है और आप उसमें HCl का एक मॉलिक्यूल ऐड करना चाहते हैं, इथाइन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल? यस, इथाइन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। बहुत सिंपल, सिमेट्रिकल है यानी किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन और किसी भी कार्बन पर हेलोजन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, एक साइड पर एच और एक साइड पर क्या आ जाएगा, क्लोरो। तो क्या बना, क्लोरो ईच ई। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड व्हेन एड्स इनटू द क्लोरो ईथीन, व्हाट हैपेंस? अभी बताइए ट्रिक। आप मार्कोनिक ऑफ रूल जरा याद करें। मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट विल अटैच विद दैट कार्बन, या तो ये इस कार्बन या फिर इस कार्बन। अब आप कहेंगे मैं सिर्फ सिमेट्रिकल था, लेकिन इस एडिशन के बाद ये सिमेट्रिकल नहीं है। डबल बॉन्ड से ब्रेक करें, एक साइड का पार्ट दूसरे साइड पार्ट से क्या है, डिफरेंट। तो जब आप नेगेटिव पार्ट की एडिशन करेंगे तो नेगेटिव पार्ट विल अटैच विद दैट कार्बन व्हिच हैव लीस्ट और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं, वन, यहाँ कितने हैं, टू। तो यकीनन क्लोरीन इसी कार्बन का, सही। और आसान बात क्या बताएगी, जहां पहले से क्लोरीन मौजूद है वहीं पर दोबारा क्लोरीन आएगा, है ना? तो यकीनन आपके पास क्या होगा, आप अगर इसे देखें CH2, मैंने इसे कंबाइन किया, पाई बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पर आ गया CH, पहले से क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन और एक और हाइड्रोजन। सब्सटेंस नेम बताइए, डाई क्लोरो ईथेन, वेरी गुड। यही काम अगर मैं आपको ऐसे लिखकर दूं इन फॉर्म ऑफ एग्जांपल, जिसे आप खुद कंप्लीट करेंगे, एडिशन ऑफ HBr, या ऐसे लिखूं एडिशन ऑफ 2 moles ऑफ HBr इन प्रॉप आयन, तब आपको दोनों स्टेप्स में मार्कोनिक ऑफ रूल का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने एक जगह पे गलती की, पूरा मॉलिक्यूल गलत, ये आपका टास्क है जिसे आप कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में बुक बहुत जरूरी है, बुक के बगैर बैठने की जहमत ना कीजिएगा। आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, सही है।